कर्नल अजय जी, यहाँ से बात करें अगर एग्री कमोडिटीज के बाजार की, कृषि जिन्सों के बाजार की, तो हमने हाल ही में सेबी का बड़ा फैसला आते देखा है। 7 कमोडिटीज बैन करी हैं सेबी ने अगले 1 साल तक के लिए, 1 साल की अवधि के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार पर पूरी की पूरी कमोडिटीज लाल निशान पर ट्रेड करती नजर आ रही हैं। ऐसे में आपके अनुसार सोयाबीन में अब आगे क्या रुझान रहेगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो जानना चाह रहे थे कि कर्नल अजय जी को लेके आइए चैनल पर, जिससे कि वो सोयाबीन पर आगे का विश्लेषण बताएं सेबी के फैसले के बाद। क्या यहां से सोयाबीन में गिरावट लगातार गहराती रहेगी? क्या यहां पर सोयाबीन में निचले स्तर से खरीदारी निकलेगी? आगे कैसा रुझान रहेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी अखिलेश जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि सबसे पहले हम कुछ बेसिक आंकड़े के ऊपर नजर डालेंगे, जिससे समझ आएगा कि बाजारों का रुख आंकड़े किस तरह से निर्धारित करते हैं। यदि हम सबसे पहले देखें तो खाद्य तेलों के अंदर भारत की कुल खपत लगभग 2.25 करोड़ टन की, भारत में खाद्य तेलों की कुल खपत का अनुमान लगाया जाता है। और इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लगभग 65% से अधिक खाद्य तेलों का आयात भारत को करना पड़ता है, और सरकार ने पाम ऑयल तेल आयात शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है, और ये संशोधित मूल्य सीमा शुल्क, जिसे डीसीडी भी कहते हैं, मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा। सरकार के अनुसार व्यापारियों को दिसंबर 2022 तक बिना लाइसेंस रिफाइंड पाम तेल आयल तेल आयात करने की अनुमति जारी की रहेगी। इसका मेन मकसद जो सरकार का जो है वो घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना है, खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाना है। वहीं सरकार के निर्देश पर बाजार नियामक सेबी ने भी सरसों व कच्चे पाम आयल सहित से जुड़े वायदा कारोबार पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, और ये सभी उपाय ऐसे समय पे किए गए हैं जब सरकार के अनुसार महंगाई चरम सीमा पर है। इससे पहले यदि जून में देखें तो सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में तेजी को देखते हुए 31 दिसंबर सन 2021 तक रिफाइंड पाम तेल के आयात से पाबंदी हटा ली थी, और आयात शुल्क की आखिरी कटौती भी सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को की थी, और आयात शुल्क में कटौती के साथ रिफाइंड पाम तेल और पामोलिन दोनों पर प्रभावी टैक्स अब 19.25% से घटकर 13.75% हो जाएगा, जिसके अंदर सेस भी शामिल है। इससे रिफाइंड पाम तेल आयल के आयात में वृद्धि होगी और खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर कमी होने की संभावना सरकार के अनुसार है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जब 1.17 लाख करोड़ से अधिक का खाद्य तेल भारत में आयात किया था सन 2020-21 के अंदर, और 1.3 से 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल दूसरे देशों से आयात करता है भारत हर साल। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो ये है कि जब 65% जो खाद्य तेलों की महंगाई या कमी विदेशों पर निर्भर है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब ऐसे समय के अंदर जब लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है और उस समय एनसीडीएक्स के ऊपर भावों में कमी है, एनसीडीएक्स के भावों के अंदर तेजी मंदी का जो असर है वो भी राष्ट्रीय एवं घरेलू खपत एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी मंदी के तर्ज पर ही उसके भाव बढ़ते या घटते हैं। एनसीडीएक्स के ऊपर वायदे बाजार पे रोक लगाने से यद्यपि कुछ खाद्य संगठनों ने इसका स्वागत भी किया है, उनके अनुसार कि अब बहुत बेताशा गिरावट हो जाएगी, महंगाइयां बिल्कुल घट जाएंगी और खाद्य तेल बिल्कुल रसातल पे आ जाएंगे, ऐसी सी कुछ बातें चल रही हैं। लेकिन प्रश्न जब यह है, जब आप 65% आयातित तेल पर ही निर्भर हो, खाद्य तेल पर, तो विदेशी बाजारों के उतार चढ़ाव का असर बाजारों पर पड़ता है, और जो एनसीडीएक्स के ऊपर जो सोया रिफाइंड ऑयल का भाव है उससे पूरे देश के अंदर एक समान रूपता भाव का भी जनता को, उपभोक्ता को, कारोबारियों को पता लगता है, क्योंकि भाव सेम रहते हैं हर जगह। जबकि अब अलग अलग मंडियों पर अलग अलग निर्यात आयातकों के हिसाब से हर जगह के अपने अलग भाव होंगे, इससे आम उपभोक्ता हो या आम कारोबारियों को समरूपता से 1 सेकंड के अंदर रेट प्राप्त करने में मुश्किल होगी। और ये निश्चित है कि खाद्य तेलों की जो महंगाई है
इससे वायदा बाजार को बंद करने में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा लंबे अवधि के, यदि हम जाने तो ये छोटी अवधि के अंदर जरूर फर्क पड़ेगा, और वो फर्क भी इसीलिए है क्योंकि फ्रेश आप कारोबार नहीं कर सकते हैं, फ्रेश सौदे नहीं लगा सकते हैं, जो मौजूदा सौदा है उसी को आप काट सकते हैं। इसी वजह से जो NCDX पे देखें कि जो सोया रिफाइंड ऑयल 1190 और 1230 डॉलर तक भी पहुंचा था, और जो ये रोक लगाने से पहले 1190 का जो स्तर था आज 1140-42 के आसपास चल रहा है। तो ये 50 रुपए की जो गिरावट है ये इससे पहले भी हुई थी, आप देखें यदि आप नजर रखें तो ये जो 1232 रुपए से 1145 रुपए का जो भाव नीचे गिरा था ये इस रोक लगाने से पहले, तो ये जो गिरावट और तेजी और मंदी का जो दौर है ये बाजारों में चलेगा, इसमें कोई दोराय कोई शक नहीं है। एक और बड़ा प्रश्न, एक और बड़ी सूचना ये भी मिल रही है कि सरसों के रकबे के अंदर लगातार बढ़त इस साल रवि के फसलों को देखी जा रही है। सरसों का रकबा पिछले साल से 24% बढ़कर लगभग 84.2 लाख हेक्टर तक पहुंच गया है, और अब तक गेहूं की बुआई का रकबा लगभग 2.80 करोड़ हेक्टर है, जो पिछले साल से 0.87% कम है। तो इसका मतलब यह है कि मोटे अनाज के ऊपर सरसों ने इस बार बाजी मार रही है। तो यदि आंकड़े देखें कि सरसों के रकबा लगभग 24% बढ़ गया है, तो इसका मतलब यह है कि 24% फसल का इजाफा होने की उम्मीद है। दूसरा जो आयात शुल्क की कटौती है, और पामोलिव और पाम ऑयल को विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी आप कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं कवायद तो बहुत अच्छी लग रही है, कागज के ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कोई दोराय और कोई शक नहीं है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न जो एनालिसिस के दिमाग में आता है, मार्केट के विश्लेषण में आता है कि प्याज के अंदर भी कुछ ऐसा था, आपको याद होगा पिछले साल प्याज ने जबरदस्त तेजी दिखाई दी थी, और उस तेजी को रोकने के लिए, महंगाई पे काबू रखने के लिए सरकार ने लगभग 2.06 लाख टन का प्याज का बफर स्टॉक बनाया था, और जो प्याज जुलाई अगस्त के अंदर 400 रुपए क्विंटल का भाव चल रहा था, 4-5 रुपए के का भाव, वही अक्टूबर में आते आते ये 32 रुपए और 40 रुपए तक पहुंच गया, मतलब 7-5 कई गुना उसका इजाफा हुआ, तो और सरकार का बफर स्टॉक भी उसमें काम नहीं आया, और प्याज की भी बम्पर पैदावार हुई थी उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। पिछले साल भी यदि हम देखें तो सरसों के अंदर जबरदस्त पैदावार थी, पैदावार में कमी कहां थी। सोयाबीन के अंदर भी देखो 119 लाख टन सोपा ने रिकॉर्ड उत्पादन के आंकड़े दर्ज किए हैं, भारत सरकार ने भी रिकॉर्ड उत्पादन के आंकड़े दर्ज किए हैं। तो अब ये बड़ा सवाल ही आ रहा है, एक तरफ आपके उत्पादन बहुत अच्छे हैं, एक तरफ आपके रकबा बहुत बढ़िया है, तो उसके बावजूद भी अब क्या ऐसी जरूरत है कि NCDX के ऊपर वायदे के बाजार के पर कारोबारियों को रोक लगा दी जाए। अब सवाल ये होता है कि जब भी NCDX पुनः कोई वायदा लॉन्च करेगा, पुनः कुछ करेगा, तो उस वक्त एक सवाल या निशान आएगा कि ये कभी भी बंद हो सकता है। अब ये जो तेजी मंदी के जो NCDX और MCX का जो कमोडिटी एक्सचेंज है, ये पूरे ऐसे एक्सचेंज पूरे हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अग्रणी श्रेणी के अंदर कृषि उत्पाद है और वहां पर ऐसे एक्सचेंज नहीं है। तो बार बार इस तरह से रोक लगाने के अंदर एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, और इससे धीरे धीरे भरोसा भी कम होता जाता है, और जो इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हेजिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अपना माल हेजिंग के पर्पज से किया हुआ है, उन लोगों को बड़ा परेशानी होती है। और मैं तो इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसी भी प्रकार की रोक टोक से यदि आप कोई हासिल कर लेते तो प्याज में भी कर लेना था आपको, प्याज के अंदर तो बिल्कुल कोई NCDX में ट्रेड भी नहीं होता था, फिर वो 5 गुना 6 गुना क्यों हो गया। जब ट्रेड ही नहीं होता NCDX पे तो प्याज के दामों में क्यों बढ़ोतरी हुई। दूसरी चीज यदि आप देखें गेहूं का भी देखें या गैर बासमती चावल का देख ले, तो उसके अंदर तो कुछ वॉल्यूम ही नहीं है कोई खास, उसके बावजूद भी यदि रोक लगाई जाती है तो इसके ऊपर एक पुनः विचार होना चाहिए। और एक जो बड़ा प्रश्न है कि क्या इस रोक से कुछ फायदा होगा। फायदा बिल्कुल, यदि आप आज की MRP देख लें,
मैक्सिमम रिटेल प्राइस खाद्य तेलों की, जो आप देख रहे हैं मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन तेल है, सूरजमुखी तेल है, पाम तेल है, और यदि आज के यदि हम भाव देख लें तो मोटे तौर पे 181.48 मूंगफली का तेल है, सरसों तेल 187.43 का है। ये खाद्य तेल के खुदरा भाव है, यानी रिटेल प्राइस है। वनस्पति तेल जो 138.5 है, सोयाबीन 150.78 है, और सूरजमुखी 163.18 है, और पाम 129.94 यानी 994 है। तो ये जो भाव हैं, क्या इनके अंदर एमआरपी के रेटों में कमी आएगी और ये कब आएगी? मैं दर्शकों के माध्यम से ये मेरे दिमाग में जो जहन में है कि अभी ये जो भाव है, क्या एक हफ्ते के अंदर इसके अंदर 15%, 10%, 20% कुछ कमी आएगी? यदि वो नहीं आती है तो एनसीडीएक्स के भावों को या एनसीडीएक्स पे के वायदों को सस्पेंड करने का कोई औचित्य नहीं आएगा। मेन तो चीज यह है कि एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइसिंग है, जो रिटेल प्राइसिंग खाद्य तेलों के, ये एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल कम होने चाहिए। इनकी रिटेल प्राइसिंग के अंदर कमी घटोती होनी चाहिए, और सरकार को के मार्केट टाइम्स के माध्यम से मैं सुझाव भी देना चाहता हूं कि इनके नाम अखबार में पब्लिश होने चाहिए कि आज ये भाव रहा, और ताकि कोई भी कंपनी उससे ज्यादा पैसा ना ले सके, तभी महंगा पे काबू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आपका प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं कि सोयाबीन पे जो गिरावट है, ये गिरावट टेम्परेरली इस पे असर होता है, क्योंकि जब भी कोई वायदे बाजार पे रोक लगती है तो उसके अंदर काटने ही पड़ते हैं सौदे, और वो जब एक साल के लिए है तो इसके लिए कोई भी किसी को उम्मीद नहीं रहती है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इस वजह से जो ये टेम्परेरी भाव एनसीडीएक्स पे गिरावट हुई है, इसका जरूरी नहीं है उतना ही आंशिक प्रभाव स्पॉट प्राइसेस पे भी पड़े। इसका एक विशेष ये बिंदु है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए कि एनसीडीएक्स के भावों की गिरावट स्पॉट प्राइसेस के ऊपर उसी समाना पर अनुपात में गिरे, ये जरूरी नहीं है, और ये 2-5-10 दिन की कहानी है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रेट्स के आधार पर खाद्य तेलों में तेजी और मंदी चलेगी, ये मेरा कहना है। जी अखिलेश जी, जी तो काफी अच्छा विश्लेषण और काफी महत्वपूर्ण विश्लेषण कर्नल अजीत जी ने खाद्य तेलों समेत सोयाबीन के ऊपर किया है कि जैसे कि सेबी ने अगर वायदा पर बैन लगाया भी है तो क्या उसका असर आम उपभोक्ताओं को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे तो कृषि फसलों के दाम तय होते हैं। अगर वायदा की देखी जाए तो उसका उद्देश्य यही है कृषि फसलों के दाम तय करना पहले से ही, कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस है वो क्या रह सकते हैं। तो अगर उसके बावजूद भी अगर आज की डेट में सरसों तेल 200 रुपये लीटर है और आने वाले 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद वो 225 या 230 या 250 रुपये लीटर हो जाता है, तो क्या इस आयात का, वायदा बैन का कुछ फायदा हुआ? ये बहुत ही ज़रूरी बात है, सोचने लायक बात है, विचार लायक बात है। और दूसरा, कर्नल जी ने यह भी बताया कि जो भारत है अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा खाद्य तेलों का आयात करता है, क्योंकि भारत अभी खाद्य तेलों में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। हालांकि भारत ने शुरुआत जरूर की है, पाम ऑयल मिशन के जरिए सरसों का रकबा बढ़ाया है और पाम ऑयल मिशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है जिससे कि आगे जाके खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके, लेकिन अभी वो आत्मनिर्भरता हासिल होने में काफ़ी समय लग सकता है। तो उस दौरान तक भारत को कहीं ना कहीं से खाद्य तेलों का आयात करते रहना पड़ेगा, पूर्ति करती रहनी पड़ेगी, सप्लाई ज़रूरी है, और तब तक खाद्य तेलों की जो घटबढ़ है वो विदेशों पर ही निर्भर रहेगी, जो कि हम अक्सर होता हुआ देखते भी हैं कि अगर भारत सरकार या कुछ भी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। हालांकि सरकार ने जो घटाया है इम्पोर्ट ड्यूटी, ये पहली बार तो करा नहीं है कि पहली बार सरकार ने घटाया हो, इससे पहले भी सरकार कई दफ़ा कर चुकी है, लेकिन उसी अनुपात में विदेशों में दाम बढ़ा दिए जाते हैं, फिर उल्टा भारत को ही नुकसान हो जाता है और भारत में जो कीमतें हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तो भारत में खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो घरेलू डिमांड और घरेलू उत्पादन इस पर कम और विदेशों की तेजी मंदी पर ज़्यादा है। और बात रही जहाँ तक सोयाबीन की, तो सोयाबीन में कर्नल अजय जी साफ साफ कह चुके हैं कि जब भी वायदा पर या कोई सरकार का बड़ा फैसला आता है, कोई महत्वपूर्ण फैसला आता है, तब तब देखा जाता है कि वायदा में और हाजिर में गिरावट देखने को मिलती है। कर्नल अजय जी के मुताबिक ये गिरावट टेम्प्ररी है और आगे जो तेजी मंदी देखने को मिलेगी खाद्य तेलों पर और तेल तिलन के भाव पर,
वो विदेशों पर निर्भर करेगी।